दे हो गया काम। रिवर जहाँ से स्टार्ट होता है लद्दाख के पास ओल्डन एक्स्ट्रा के नाम है, वहाँ से ये स्टार्ट होगा और इंडस रिवर के अंदर हम लोग आएंगे सरजू और फिर जगलो दासू, ये आपका ग्यामर बादशाह डैम को क्रॉस करते हुए फिर हम आएंगे अपना दरबंग थुरबेला डैम में, थुरबेला से फिर हम आगे ये आपका कालाबाग और ये सारा जितना भी एरिया इसको करते करते हम इंडस रिवर से हम सक्कर गुजू बराज, वहाँ से फिर कराची पोर्ट कासिम की तरफ से हम जाएंगे और वहाँ पे कराची किमाड़ी में इंशाल्लाह इसका क्लोजिंग होगी। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है जिसमें वजीर माहौलियात और मौसमियात के वजीर हैं और उसके बाद PTV है, पाकिस्तान नेवी है और बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारे इसमें हैं। जो वजाहत मलिक जो हमारे ग्रुप लीडर हैं इसमें, वो पहले भी पाकिस्तान में एडवेंचर के बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत यूनिक किस्म का आइडिया है और ये दुनिया में मेरा हाल ही पैसे रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमने पूरे इंडस रिवर को नॉर्थ से साउथ तक उसको हमने कवर किया। ऑफ कोर्स ये बहुत ख़तरनाक है, अभी हमने वीडियो दिखाई थी इसकी वाइट वाटर राफ्टिंग के एक्सीडेंट कैसे होते हैं और ये क्या इसके लेवल्स ग्रेड्स होते हैं इसके, कि इस क्लास 1 से 0 से लेके क्लास 10 प्लस तक इसके ग्रेड होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बटा कोसी नेपाल में भी राफ्टिंग की है, वाइट वाटर राफ्टिंग 3 दिन की वहाँ पे मैंने किया। फिर मैंने दुबई में अलैन क्लब खोला हुआ, वहाँ पे आर्टिफिशियल उन्होंने एक बनाया हुआ, उसमें भी मैंने ट्रेनिंग की है। फिर स्वात रिवर में मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस तरह शौक मलेशिया में मैंने वाइट वाटर राफ्टिंग मैं और इमरान जब छोटे भाई हम लोग गए थे वहाँ पर की है। तो ये एक आइडिया बहुत अरसे से था, हमारे एक दोस्त है वजाहत मलिक जिनका मैंने बताया जो इस ग्रुप के लीडर हैं, तो ही डिड ग्रेट वर्क और बड़ी एफर्ट्स किए उसने, सारे प्रोग्राम को गवर्नमेंट को अनबोर्ड लिया, लोगों को अनबोर्ड लिया, बहुत सारे सरीना ने इसमें मेन स्पॉन्सर जो है इसका सरीना है और अभी पिछले दिनों सरीना में इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी और बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस का प्रोग्राम है। ये जो एक्सपीडिशन है 45 डेज़ का है, इसमें हम जो हमारे दरिया हैं उनको हम कैसे महफूज कर सकते हैं। आज तक दरिया हमें खिलाता रहा है, क्या हम भी दरिया के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स और ये सारा पानी ख़त्म हो जाए अगर हमने इसको ख्याल नहीं किया। आप देखिए दुनिया में रिवर्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है, हमारे यहाँ जो गंद होता है हमने अपने नालों के अंदर डाला है, नाले जाते हैं दरियाओं में और फिर आपको पता है ये जंग जो समंदरी हयात है उसके लिए जंगली हयात है, इंसानी सेहत है, यही पानी हम पीते हैं जो आपका इंडस रिवर से आता है दरिया सिंध से। तो ये बेसिकली प्रोग्राम जो है अवेयरनेस का है और हम चाहते हैं कि इससे बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में बल्कि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी इससे कि राफ्टिंग एक खाली स्पोर्ट नहीं है, एक डिस्कवरी का भी एक हमारे पास ज़रिया है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा। ख़तरनाक की बात यह है कि इसमें लोग मरते भी हैं और मुश्किल है और इसमें तो खासकर जो हमारा इंडस रिवर है इसमें तो कोई बाहर से आए हुए थे उसमें कयाक्स आए तो उन्होंने कई जगहों पे हैंड्स अप कर दिए थे कि ये हमारा पीस ऑफ केक नहीं है, कप ऑफ टी नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को वहीं से वो निकले वहाँ से। और हम भी कोई सुसाइड मिशन पे नहीं जा रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह दरिया के लेवल को देखेंगे, उसके पोजिशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे और हम इस चीज़ को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हो। शुक्रिया सर। फरमान साहब आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स में बड़े दिलाते हैं, आपने बंजी जंप्स किए, आपने पैराग्लाइडिंग की, अब इस तरह ये राफ्टिंग करने जा रहे हैं, ये मौत को गले लगाने का क्या मजा है आपको? इजाज़ साहब आप तो मेरे बचपन के मतलब दोस्त हैं, आपको पता है हमने कराटे का सफ़र इकट्ठे किया और उसमें बड़ी मारे खाई और ऐसी ऐसी मारे खाई हैं कि शायद हम दोनों में से कोई एक जिंदा भी ना होता। जिस ज़माने में हमारे कराटे होती थी बड़ी टफ कराटे होती थी, वहाँ पे तो कोई प्रोटेक्शन का या कंट्रोल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में और मैं समझता हूँ कि इंसान को जीने को जीना चाहिए, ज़िंदगी को जीना किस तरह का है तो वो जब तक आप
एडवेंचर अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर आप समझे कि आप तो बस सुबह उठे सोए जागे और फिर एक कब्र में चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और मैं अल्लाह पाक से इल्तिजा है, रहम की अपील है, अल्लाह पाक रहम करेगा समान क्रू के ऊपर। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल पैराग्लाइडिंग है, उसमें भी आपको पता है कि एक दफ़ा आप हवा में चले गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज एक तारों के ऊपर आप लटके होते हैं, कपड़े का एक पीस होता है उसके साथ आप सारी मनूवर्स करते हैं। तो राफ्टिंग ऑफ कोर्स एंडस में तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं पता क्या होना है आगे। आई होप कि वापस आऊँ और आपको एक खुशखबरी के साथ इंटरव्यू सुनाऊँ। और इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों की जान चली जाती है, हाथ टूट जाते हैं, पांव नीचे रॉक्स के अंदर पांव फंस जाते हैं, और अगर दो मिनट के अंदर अंदर अगर आपको रेस्क्यू नहीं किया जाता तो उसके बाद फिर श्योर शॉट आपकी देर इज़ नो वे टू लिव, लाइफ का कोई वो नहीं है। बाकी ये कि हमने लाइफ जैकेट्स पहनी होंगी इंशाल्लाह, पैडल्स होंगे, राफ्ट होगी, साथ में कोशिश भी करेंगे कि इस चीज़ को हम एक अच्छे अंदाज से और बड़े सोबर अंदाज से और इसको एहतियात के साथ करें। जहाँ पे लेवल हमें लगेगा कि हमारी अप्रोच से और हमारी कैपेसिटी से बाहर है तो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम इसको हल्का उसमें लेके जाएं। आजाद साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हम वो कहते हैं ना दोनों रोशन पहलू देखें तो तस्वीर के, मेरा ख्याल है कि ये मीडिया ही है जिसकी तवासत से आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिर इसी मोबाइल पर मुझे कोई देखेगा या आप इसको आगे ले कर चलेंगे, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल एक तरीका कार वो हमें वज़ा करना है। आया हम इसके अंदर ही अपनी लाइफ को वर्क कर दें या इसके थ्रू हम अवेयरनेस हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। अभी जैसे कि हमने आपको वीडियोज़ में भी दिखाई कि राफ्टिंग क्या होती है, तो वो इसी तरह आप मीडिया के थ्रू या आईटी के थ्रू आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और ये जो मीडिया है, मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम बेस्ट एक आपके पास प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पूरे दुनिया में अवेयरनेस पैदा कर सकते हो, लोगों में जज्बात पैदा कर सकते हैं, तो वो आएँ बाहर मैदान में और खुले में अपने आप को आजमाएँ और उनकी कैपेसिटी टेस्ट करें, अपने फिटनेस टेस्ट करें। तो ये है कि दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बुरी नहीं है, मीडिया भी होना चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ें, लेकिन इसको इस्तेमाल का तरीका हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। नौजवान नस्लों से मेरी ये गुजारिश है कि एक सख्त मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और ईमानदारी के साथ करें, तो अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाबी देगा।